हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप की जो चैट है वो कन्वर्सेशन को कैसे आर्काइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन के बाद आपके जो व्हाट्सएप के कन्वर्सेशन व्यू होता है उसमें बहुत सारी चैट इंक्लूड हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उसे कैसे आर्काइव कर सकते हैं, यानी आप वो चैट डिलीट नहीं करना चाहते लेकिन आप उस चैट को मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मेन लिस्ट है उसमें आपको नहीं रखना। तो उसके लिए आपको चैट को आर्काइव करना होगा। तो आर्काइव करने के लिए क्या करना होगा, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली जो चैट है उसे स्वाइप करना होगा। स्वाइप करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन है आर्काइव। तो जैसे ही मैंने आर्काइव कर दिया तो ये चैट आर्काइव हो गई, ये दूसरी चैट तो ये दोनों भी आर्काइव हो गई, ये तीसरी चैट, तो ये सारी जो चैट है वो आर्काइव हो गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कभी वो चैट एक्सेस करनी है आर्काइव चैट, तो आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप आईफोन वर्जन में है तो आपको टॉप पे चले जाना है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप यहाँ से सर्च करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप सर्च नहीं करना चाहते तो उसके लिए सिंपली आपको थोड़ा पुल करना है। आप जैसे ही एक्स्ट्रा पुल करेंगे तो यहाँ पे देखें कि आर्काइव चैट्स का ऑप्शन, यानी एक मेनू में एक ऑप्शन ऐड गया। जैसे आप टॉप कर देंगे तो ऑप्शन चला जाएगा, सिंपली आपको पुल करना है। तो पुल किया तो ये ऑप्शन आ गया आर्काइव चैट, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चैट है वो आर्काइव है। अगर आपको फिर से उसे मेंटेन करना है तो सिंपली स्वाइप कीजिए और यहाँ पे अनआर्काइव का ऑप्शन है तो चैट टैप कर दीजिए तो अनआर्काइव हो गए, फिर से आपके लिस्ट में वो आ जाएगी। यानी आपको पूरा जो लिस्ट है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो उसे आर्काइव कर लीजिए। और आईफोन वर्जन है व्हाट्सएप का तो सिंपली आप ज़्यादा थोड़ा पुल करेंगे टॉप पे तो सर्च के नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा। और बहुत सिंपल टेक्निक है, यही टेक्निक आप एंड्रॉयड फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन के लिए क्या करना है, जो भी चैट आप आर्काइव करना चाहते हैं सिंपली उसे लॉन्ग प्रेस कर दीजिए। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से ये जो एक ऑप्शन है जैसे डाउनलोड का इंडिकेटर है लेकिन एक डाउनलोड नहीं आर्काइव है। तो जैसे आपने उसे टैप कर दिया तो वो चैट आर्काइव हो गए, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ गया आर्काइव चैट, तो आपको उसे टैप करना है। जैसे आप उसे टैप करेंगे तो जो भी चैट वगैरह आपने आर्काइव कर दिया है, यानी अलग, ये एक्चुअली एक अलग कलेक्शन बन जाता है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको फिर से नॉर्मल लिस्ट में ले जाना है तो सिंपली सिलेक्ट करना है एंड्रॉयड वर्जन के अंदर, बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि रिवर्स आइकॉन है अनआर्काइव, आपको उसे टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो आपके रेगुलर लिस्ट में वो चैट आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको अपने डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।